इन दिनों रामनगरी अयोध्या के एक संत नायक फिल्म को हकीकत में बदलने का ख्वाब देख रहे हैं। दरअसल मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आए दिन नया नया पैतरा आजमाते हैं। कभी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आमरण अनशन की चेतावनी देते हैं, तो कभी खून से पीएम मोदी को पत्र लिखते हैं, तो कभी किसी राजनेता का सर कलम करने पर 300, 200 और 500 रुपए का इनाम रखते हैं। लेकिन अब तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य एक दिन का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। संत का चोला ओढ़े परमहंस आचार्य दावा करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है, किसको किस पद पर पहुंचा दिया जाए वह कुछ नहीं जानता। खुद को प्रधानमंत्री बनने का इच्छा जाहिर करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भगवा का सम्मान करती है, तो कभी ना कभी प्रधानमंत्री भी भगवाधारी बनेगा और राष्ट्रपति भी भगवाधारी बनेगा। इतना ही नहीं, जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि अगर मुझे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तब मैं भारत को जिहाद मुक्त अपराध मुक्त कर दूंगा। जानिए क्या कुछ कहा तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है और किसको किस पद पर पहुंचा दिया जाएगा कोई जानता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने दलितों से लेकर के सफाई कर्मियों से लेकर के और संतों तक सबका सम्मान किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भगवा का सम्मान कर रही है, तो कभी न कभी भगवाधारी राष्ट्रपति भी बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे। काश अगर मुझे भी एकाध दिन के लिए अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो ये तो पक्का है कि मैं भारत को जिहाद मुक्त और अपराध मुक्त कर दूंगा। जो लोग जो पाक परस्त हैं, जो देश विरोधी नारा लगाने वाले लोग हैं, जो पत्थरबाज लोग हैं, जो माताओं बहनों और बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, जो लव जिहाद में बहन बेटियों को फंसा करके और उनको जो 36 टुकड़े करने वाले लोग हैं, इनके लिए जरूर मैं इनको जन्नत का सैर करा दूंगा। और अगर कदाचित मैं चाहूंगा कि मुझे शुक्रवार के दिन प्राइम मिनिस्टर बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, अगर 24 घंटे को न मिले तो 12 घंटे नहीं 6 घंटे नहीं तो 1 घंटे भी अगर मिल गया, क्योंकि शुक्रवार के दिन प्रायः देखा जाता है कि मस्जिद से पत्थरबाज निकलते हैं और जितने भी आतंकवादी हैं सब अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। तो हमने चिन्हित कर लिया है कि कितने जिहादी पत्थरबाज पाक परस्त देश विरोधी नारा लगाने वाले जितने हैं, हम सबको चिन्हित कर लिए हैं पूरे देश में। और अगर शुक्रवार को मौका मिल जाए तो वो सब एक जगह मिल जाएंगे। इसलिए मैं भारत को जिहाद मुक्त अवश्य कर दूंगा एक घंटे में, वहीं से भारत विश्वगुरु बन जाएगा और राम राज की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद माताओं बहनों और बेटियों की हिंसा करने के लिए कोई सोच भी नहीं पाएगा और जिहादी का नाम फिर जो है कहीं पन इतिहास के पन्नों में भी कोई नहीं खोज पाएगा। इसलिए आशा करता हूं कि अगर मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा और भारत को जिहाद मुक्त बना दूंगा।